तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे हो गए। मैं हूँ आपका फ्रेंड आमिर और आ चुका हूँ एक और गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। तो देखो भैया, इस वाले गेम प्ले में हम उतर रहे थे सवर्णी और आप खुद ही देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्क्वाड उतर रखी है। तो अब देखो, किसी न हालत में मुझे सवर्णी खाली करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे फ्रेंड से मुझे एक तरीके का चैलेंज मिल चुका था कि भाई इस गेम प्ले में तुमको किसी भी हालत में 15 से ऊपर किल करके दिखाने हैं। तो देखना ये होगा कि क्या हम ये चैलेंज पूरा कर पाते हैं। भैया जिस हिसाब का रूल चल रहा है, मतलब जिस हिसाब से चल रहा है ना, सबसे लग नहीं रहा है कि चैलेंज पूरा होगा। भैया देख सकते हो, एक गन नहीं केवल एक पिस्टल के, और यहाँ पे एक तवा मिल जाता है। तो भैया कुछ नहीं, इसी से रस करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अब भाई साहब, मैं यही वाली पिस्टल लेके रश कर देता हूँ इन बंदों पे, मगर ये सामने वाले घर पे बंदे होते हैं और उस वाले घर पे नहीं होते हैं। तो भैया ये दोनों बंदे यहीं कैम्प कर रहे होते, मेरे ही सनक जाती। मैं कहता हूँ भैया यहाँ भाग लो, अगर गन मिल गई तो चांस है, नहीं मिली तो बवाल है, पिटना ही पिटना है फिर तो। तो भैया आप सीधी सी बात है, गन उठो। तब यहाँ मुझे एम स्टील मिल जाती है। तो भैया मैंने कहा ऊपर जाते हैं, एक बंदे को नॉक करते हैं, फिर रश करेंगे। तो जैसे मैं ये वाले कमरे में आता हूँ तो मुझे यहाँ स्कारल में मिल जाती है भैया, गोल्डन चांस। और भाई इसे मैं मिस नहीं करना चाह रहा, तो मैं सबसे पहले इन बंदों पर रश कर देता हूँ। भैया यहाँ मैं टीपी पीपी ले रहा था, तभी जैसे मैं रश करने जाता हूँ तभी ये बॉट मिलता है, इसे ही मारते इसका टीममेट। और भाई इसे नॉक करते इसका दूसरा टीममेट जो कि रश कर रहा होता है। और भाई अच्छा हुआ मैं हट गया था। तो भैया इन दोनों को टिमटा चुके हैं। इसके बाद अब बारी आती रोड के उस पार वाले बंदों की। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अपनी हील वगैरह कंप्लीट कर रहा होता हूँ कि तभी देखो एक बंदा खिड़की झाँक रहा, देखो फिर इसे कैसे भरते हैं। अब भैया इसे भी नॉक कर दिया। अब भाई मेरा कॉन्फिडेंस आसमान फाड़ चुका था, सीधी सी बात थी अब रश करना था। तो भैया मैंने अगल बगल देखा, कोई नहीं, अब सीधे घुस चुके थे। मगर तभी इसके टीममेट की आवाज़ आती जो कि भागता हुआ चला आ रहा था। मगर हम भी कम हरामी नहीं भाई, पहले इसको फिनिश करेंगे, उसके बाद इसके टीममेट से निपटेंगे। इसको फिनिश किया, मैं यहाँ से इसकी यूज ही उठा लेता हूँ। ये देखो भाई साहब, मैं यूज ही उठा के जैसे यहाँ बैठता उसका टीममेट भाई जो नेट फेंकता ना, इससे मेरी तक के चार हो चुकी थी। अगर इसने 2 मिनट भी रश कर दिया ना, हो सकता है मैं मर जाऊं। मगर इसका टीममेट थोड़ा ज़्यादा दिमाग को होता है, यहाँ आता है, रुक जाता है, नीचे आके फिर जैसे नेट खींचता है, देखो फिर। तो भाई साहब पेल देते हैं इसके टीममेट को भी। अब भाई यहाँ पे कुल मिला के इधर साइड का भी बंदे खाली चुके थे, मगर जैसे मैं इधर साइड टीपी भी ले रहा होता हूँ तो जिधर साइड से मैं एरिया खाली करके आया होता हूँ उधर 2 बंदे और आ जाते हैं। मगर एक बंदा इधर ही साइड पे भी होता तो सबसे पहले हम उसी को भरेंगे। और ये निकलते हैं भाई हमारे बॉट्स भाई। अब इनको मारने के बाद हम करने वाले बहुत बड़ा फ्लैंक। और भैया इतने में हम आ जाते हैं इधर साइड पे क्योंकि वो बंदे बॉट से निपट रहे होते हैं। तो भैया अब हम यहाँ पे आने के बाद यहाँ टीपी पी लेते हैं, उसके बाद यहाँ खींच लेते हैं एक नेड। और अब देखो भाई, इस नेट के लिए भाई ना 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने राहुल की सिमरन को, मतलब राज राहुल सिमरन को नॉक कर दिया था। अब DDLG नहीं बन पाएगी तो सीधी सी बात है, अब रश करना है। तो भैया काफ़ी इजी मार दिया हमने ये फादर वायरस को, जो कि राज या राहुल भैया थे, हमको नहीं पता भाई क्या नाम था शाहरुख खान का उसमें। फिलहाल ये बॉड मिलता है जो कि सवर्णी का आखिरी बंदा होता है, इसे मार देते हैं। उसके बाद भाई हम सीधे जाते हैं अपनी फ्लेयर पे, जहाँ फ्लेयर चल रही होती है, वो भी स्टाइलवर पर चली होती है। मगर जैसे यहाँ पहुँचते हैं तभी ये कॉकरोच नज़र आ जाता है। और भाई अब हम इस कॉकरोच का पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जहाँ रुकेगा भाई उसे वहाँ उतर के मारेंगे। तो इसलिए भाई मैं यहाँ आता हूँ, उतरता हूँ, उसे फायर देने की ट्राई करता हूँ, मगर ये बंदा फिर भागने की कोशिश करता है। तो देखो यहाँ कितनी देर तक पकड़ा में पड़ाई जारी रहती है। मगर फाइनली यहाँ पे आगे जाके इस बंदे की ये कॉकरोच वाली बैलगाड़ी ठुक जाती है। और देखो फिर
भाई मतलब इस चीज़ से एक चीज़ तो साबित हो जाती है कि बैरल का डैमेज 4 गुना बढ़ चुका है। उसके बाद भाई उस बंदे को मारने के बाद जैसे हम रोजॉक की ये वाली साइड से आ रहे थे तभी ये बॉट, उसके बाद जस्ट ये बंदा जिसको कि पीपी बाइजन मिली होती है, और भाई फायरिंग भाई क्या ही बताए इसका, अंधाधुन फायरिंग। देखो फिर कैसे भरते हैं। अब इसे मारने के बाद मैंने इसकी लूट वगैरह नहीं की क्योंकि बाइजन वगैरह हम नहीं उठाते हैं, तो सीधे हम निकल जाते हैं पुजंग की। और जैसे ही यहाँ पे आते तो ये बग्गी दिखती है, उसके बाद हम यहाँ पे अपनी गाड़ी मोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे गाड़ी मोड़ते घुमा के सीधे हम लगाने वाले अपनी गाड़ी ट्रिपल ई स्टोरी में। अब जैसे हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं ना, यहाँ खाली कन्फ्यूज़न देखो, एक तो रेड जोन, ऊपर से प्लेन भी आ रहा है, उसके साथ साथ भाई इतने फुटप्रिंट कहाँ देखें। अब फिलहाल थोड़ा सा ट्राई करते हैं बंदों को ढूंढने का। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये दिखता है मुझे, क्योंकि भाई अलग ही कोने में अपने नशे करके बैठा था, तो इसे नॉक कर दिया। तो अब भैया हमको पता था कि इसका टीममेट आ रहा होगा, मगर यहाँ एक नेड और उसी समय दूसरा भी नेड, कहने का मतलब यहाँ एक और बंदा है जो कि इन दोनों बंदों के भी अलावा है। तो अब भाई सबसे पहली बात, इसे मारा मैंने, इसको लूटा, मैं यहाँ पर पीक लेके बैठता हूँ कि इसका टीममेट अब आए, मगर वो बंदा और चला गया, यहाँ से आने के बजाय यहाँ से आता है। मगर भाई कान में लेड लगी थी तो इतना तो पता था कि हाँ भाई इधर से आ रहा है बंदा। फ्री फायर दिया, कोई फायदा नहीं। अब हम इस बंदे पर रश करेंगे, मगर उससे पहले जब अगर हमारे पास थ्रोबल्स है तो ट्राई करते हैं थ्रोबल से मारने की, हो सकता है हम थ्रोबल से निपटा दें उस बंदे को। तो सबसे पहले हम मौली की, जो कि नाकाम भैया नीचे कूद के गिर गई, तो अब एक नेड करेंगे। और ये नेड ना अगर थोड़ा सा लास्ट सेकंड होता तो ये बंदा यहीं पे ही मर जाता। ये देखो जो कि इस कोने पे टीपीपी ले रहा था। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ इस बंदे की 4 गुना ज़्यादा पड़ चुकी थी, तो ये भागता है नीचे साइड पे, ये नीचे कूदता है, मैं इसके पीछे आता हूँ। अब जैसे मैं इस घर के अंदर से एंट्री लेके बाहर निकलता हूँ ना, तभी देखो बंदा यहाँ टीपीपी लेके बैठा होता है। अब मैं किसी और बंदे का इंतजार नहीं करता हूँ, भैया सीधे आ जाते हैं चौरचो पुल वाले इस स्क्वाड हाउस में। जैसे यहाँ पे आते हैं तभी देखो एक बंदा जिसको मैंने अभी नॉक किया, जो कि इस घर में है, एक बंदा जो इसके पीछे वाली सीमेंट्री बड़ी वाली, उसमें दो टीम, मतलब एक टीम है, एक टीम इस घर में है और एक टीम मेरे लेफ्ट वाली पहाड़ी पे। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों नहीं मारा मुझे, मगर मैं जैसे यहाँ टीपीपी लेने आता हूँ मैं सोचता हूँ उसका टीममेट यहाँ सीमेंट्री, मगर तब तक का दो बंदों की फुटप्रिंट लेफ्ट से आती है। मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये टीम वही है जिसका कि एक बंदा मैंने नॉक किया था। अब देखो इस टीम को तो मारना पड़ेगा, और यहाँ मैं मरते मरते बचा, यानी ऑलमोस्ट मर गया था। देखो HP, देखो भाई HP, यहाँ मेरी बस क्या बताएं, हेल्थ पॉइंट की हालत ख़राब हो गई थी। अब चुपचाप मैं पीछे आता हूँ, मुझे पता था कि वो बंदा अगर जो थर्ड पार्टी वाले हैं वो अगर रश करेंगे तो सीधे घर के ऊपर जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ हील करता हूँ, और होता भी ऐसा ही है। वो जैसे ही ऊपर गया मैं यहाँ पे एक पेन किलर या एनर्जी ड्रिंक और लगा था, तभी इसके दूसरे टीममेट की आवाज़ आती है। देखो इसे तो भाई मैंने क्रॉस करने का मौका ही दिया, मगर एक चीज़ देखना इसका टीममेट कहाँ पहुँच जाएगा इतनी जल्दी। देखो यहाँ से गायब, ठीक धरती फाड़ गई, आसमान निकल गया, गायब ही हो गया इसका बंदा, मतलब मिलना ही नहीं है भाई, कौन सी गुफा में चला गया। फिलहाल यहाँ से एक नेट करने की ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो एक नेट करते हैं हम सीढ़ी पे, हो सकता है वहाँ बंदा टीपीपी ले रहा हो, और हो नहीं सकता कि मतलब वहीं टीपीपी ले रहा था, इस नेट से हो जाता वो बंदा डैमेज, वो बंदा कूद के चला जाता है पीछे साइड पे। और जैसे वो पीछे साइड पे जाता है तो मुझे पता था मुझे नेट कहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ आता हूँ एक नेट की पिन खींचता हूँ। और भाई इस वाले नेट के लिए 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। देखो बस यहाँ पे ये वाली टीम बहुत आसानी से फिनिश हो जाती है। अब भाई काम तो यहाँ बचा नहीं था, तो मैं यहाँ से लूट लाट कर रहा होता हूँ, ग्रोजा वगैरह उठा ही रहा होता हूँ। पहले मुझे यहाँ लगता कि यहाँ भी टीम कहाँ थी, मगर यहाँ कोई टीम नहीं होती है। अब जैसे मैं यहाँ AWM उठाता हूँ तभी ये जो आखिरी बंदे बचे थे दो, उनकी US यहाँ से जाती है। और भाई मैं इसे पूरी तरीके से स्प्रे से गिराने की कोशिश करता हूँ, मगर यहाँ पे अगर मैं छत से ना गिरा होता ना तो एक बंदे को मैं अभी तक तो लेटा चुका होता।
मगर कोई नहीं, अब इनके ऊपर रश करना पड़ेगा। मैं घूम के आ जाता हूँ इस वाली पहाड़ी पे इनके, और देखो भाई यहाँ से स्नाइपिंग बहुत ज़्यादा हक दिया मैंने, मगर एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत। मैं यहाँ पे ढूंढ रहा होता कि भाई इसका टीममेट कहाँ है जो अभी था यहाँ पे, तभी ये बंदा खुद था, और भाई कैसे बचा मुझे नहीं पता। थोड़ा सा डिले हो गया मगर ये मर जाता, तो एक बार हक दिया मैंने। चलो देखते हैं आगे कितनी बार हक सकते हैं। मैं यहाँ से रिलोड करके वापस जाता हूँ उस बंदे को देखने के लिए, तभी देखो भाई क्या होता है यहाँ पे। ये पड़ी भाई लेफ्ट से, अब लेफ्ट पे जैसे पड़ी मैं लेफ्ट पे देखने की कोशिश करता हूँ, तभी भाई सस्पेंस और बढ़ गया, क्योंकि एक गिल्ली वाला मैंने अभी कुत्ता देखा था, वो बंदा इतनी जल्दी वहां तो पहुंच नहीं सकता। मगर पहले ये बता, ये हेड कैसे मिस हुआ और ये हेड कैसे मिस हुआ, क्योंकि मैंने पूरा हेड रख के मारा था फिलहाल। अब भाई ये हेडशॉट कैसा लगा, क्योंकि तीन बार हकने के बाद तो एक हेडशॉट तो बनता है। अब जैसे इस बंदे को गिरा दिया, उसके बाद पूरी कोशिश करेंगे कि अब भाई किसी भी हालत में रश कर दें ना, कुछ भी हो सकता है, चिकन डिनर भी हाथ से निकल जा सकता है। मगर यहाँ पे मैं वेट करता हूँ कि काश वो बंदा क्रॉस करे और मैं उसे AWM से चिपका दूँ और यहीं पे भाई चिकन डिनर हो जाए, और ऐसा होता भी है। मगर यहाँ पे एक शॉट मिस हो जाता है, हमने सोचा यहाँ रश करें, मगर किस्मत देखो भाई, इसको भी भाई अभी पलटना था। फिलहाल कोई नहीं, अब गाड़ी उठा के हमने कर दिया उस बंदों पे रश। अब देखो सीधी बात है, वो बंदे स्मोक करेंगे, रिवाइव करेंगे, रिवाइव करने के बाद या मैंने अंधी फायर दे दी कि शायद से लग जाए, मगर रिवाइव करने के बाद वो बंदे नीचे पहाड़ी पे जाएंगे। अब देखो पूरा जोन उन पे है ही नहीं, तो सीधा सी बात है फेवर में हमारे जोन है, जीतने का पूरा चांस मेरे पास है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहता तो नेड़ आने के भी चांस है, तो भाई मैं यहाँ पे खड़े होने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो एक दो नेट करने ट्राई करते हैं, मगर ये नेट काफ़ी लेट हो जाता है। अब दूसरा नेट भी किया, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो भाई हार मान के मेरे को घर के ऊपर जाना पड़ता है। और एक दिमाग लगाता हूँ मैं कि उन बंदों के पास तो मतलब मेरे को देखने का कोई व्यू नहीं है, तो उनको पता कैसे चलेगा मैं यहाँ पे हूँ। वो बंदे स्क्वाड हाउस की तरफ देखते हुए आएंगे और मैं यहाँ से पेल दूंगा, और होता भी ऐसा ही है। देखो बस सबसे पहले ये बंदे मेरे ऊपर क्लोज इन करते हैं, और तभी इनका एक बंदा जो कि लेफ्ट से आता है, और इस बंदे का ध्यान तो मेरे ऊपर था ही नहीं। देखो बस इनका दूसरा बंदा, तो भाई साहब मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। आई होप ये वाली वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और भाई आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगी यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और हो सके तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।